प्रदेश के हापुड़ के रहने वाली महज 19 साल की एक लड़की जिसका नाम कीर्ति था, वो एक प्राइवेट कॉलेज से बीटेक करके अपना भविष्य संवारना चाहती थी। उम्र महज 19 साल थी। वो जिस वक्त नेशनल हाईवे 9 से जा रही थी, ऑटो में उससे झपट्टा मारी की जाती है। जब वो फोन नहीं छोड़ती तो दो ऐसे झपट्टा मार जो दरअसल इस वारदात को अंजाम दे रहे थे, उसे बाहर खींच लेते हैं, जिससे वो रोड पर गिरती है। सिर में चोट लगने से गंभीर चोटें लगती हैं। आईसीयू में भर्ती होने के बाद 2 दिन बाद उसकी जान चली जाती है। पूरे मामले में सतर्कता दिखाते हुए यूपी पुलिस ने एक आरोपी का एनकाउंटर कर दिया और दूसरे को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। यहाँ पर कहा जा रहा है कि मिट्टी में मिला दिया गया है दोषियों को, लेकिन मिट्टी में मिलाने का क्या फायदा जब वो छात्रा ही जीवित नहीं बची है। महज 19 साल की एक लड़की हापुड़ से निकलकर गाजियाबाद आती है ताकि वो अपना भविष्य सुधार सके, देश के लिए कुछ कर सके, लेकिन उसे नहीं पता कि वहाँ दरिंदे उसका इंतजार कर रहे हैं। झपट्टा मारों की हिम्मत इतनी ज्यादा बुलंद होती है कि वो दिन दहाड़े लड़कियों के फोन छीनते घूमते हैं, वो भी नेशनल हाईवे पर, लेकिन पेट्रोल नदारद रहती है। आए दिन महिलाएं, बुजुर्ग और वृद्ध महिलाएं चोटिल होती हुई नजर आती हैं झपट्टा मारों की वजह से, लेकिन पुलिस कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं करती। क्योंकि मामला फोन चोरी का होता है, पुलिस को लगता है कि पुलिस कितने फोनों को रिकवर करके देगी। हैरत इस बात की है कि पुलिस ऐसे अपराधों को रफा दफा करने में ज्यादा दिलचस्पी दिलाती है और जिसके चलते ये लोग शातिर अपराधी बन जाते हैं। गाजियाबाद में बीटेक की छात्रा के साथ लूट करके मौत के घाट पहुंचाने वाले दूसरे बदमाश को मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है। लुटेरे जितेंद्र उर्फ जीतू पर 9 मुकदमे दर्ज थे, ये खासी ध्यान देने वाली बात है। और ये मुकदमे पिछले 5 से ज्यादा सालों में हुए थे, लेकिन एक भी मुकदमे में ये शख्स जेल में क्यों नहीं था, ये बड़ी हैरत की बात है। मसूरी थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में कल बीटेक छात्रा के इलाज के दौरान जान चली गई, लेकिन मुख्य आरोपी जीतू उर्फ जितेंद्र का एनकाउंटर कर दिया गया है। जहां एक तरफ पुलिस अपनी पीठ थपथपाती हुई नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ बड़ा सवाल ये है कि एक शातिर अपराधी जिस पर 9 मुकदमे हों और वो खुले में सांस ले रहा हो, खुलेआम सड़कों पर छीना झपटी कर रहा हो, तो वो किसी को मौत के घाट नहीं उतारेगा, इस बात की क्या गारंटी है? और आखिर क्यों पुलिस ऐसे शातिर अपराधियों को इतने मुकदमे होने के बावजूद भी खुला छोड़ देती है, ये एक अहम सवाल है। गौरतलब है घटना की सुर्खियों में आने के बाद पहले एनकाउंटर के पैर में गोली मारी गई और दूसरे का एनकाउंटर कर दिया गया। कहना गलत ना होगा कि ऐसे अपराधियों को पुलिस पहले खुद ही छोड़ देती है, 9-9 मुकदमे होने के बाद उन पर ठोस कार्रवाई नहीं होती है, और जब वो किसी ऐसी वारदात को अंजाम दे देते हैं तो पुलिस तुरंत कार्रवाई करते हुए उनका एनकाउंटर कर देती है। लेकिन क्या ये कार्यप्रणाली कानून के मुताबिक है? और सोचने वाली बात यह है कि अगर 9 मुकदमों में से एक भी मुकदमे में इस शख्स को जेल में डाला गया होता तो शायद एक होनहार छात्रा कीर्ति आज हमारे बीच जीवित होती।